Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. हम सबको शॉपिंग पसंद है, किसको नहीं पसंद होती शॉपिंग, वो चाहे शूज़ की हो, कपड़े की हो, एसेसरीज की हो, मेकअप की हो, ग्रॉसरी शॉपिंग हो, कोई भी शॉपिंग हो, हम सबको पसंद आती है। बट लेट मी टेल यू कि मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी के वजह से ना हम नॉन एसेंशियल आइटम्स ज़्यादा बाय करने लगे हैं। पता है कैसे? क्योंकि बाय नाउ पे लेटर आ गया है। हम सब ये सोचते हैं कि अभी के लिए तो बाय कर देते, बाद में पे करेंगे। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस पे ना पे लेटर का ऑप्शंस तो आ ही गया है, तो हमें लगता है कि आज अगर हम बाय कर लेते तो बाद में पे करना है ना, तो हमें वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है क्योंकि हम कल जाके पे करेंगे। बट हम ये भूल जाते हैं कि आज नहीं तो कल तो हमें पे करना ही है ना, अपने पॉकेट से ही मनी जाने वाला है। तो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ BNPL, दैट इज़ बाय नाउ पे लेटर, एंड इज़ इट गुड, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, ये सब आज जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गो। एज पर द स्टैट्स एंड रिपोर्ट्स, डिजिटल ट्रांजैक्शन विद द पे लेटर मोड saw a 637% spike in transactions volume from 2020 to 2021. BNPL grew by 637% in 2021 as compared to 569% in 2021. This was faster than 174% year-on-year growth. जैसे every coin has two sides, वैसे BNPL के भी दोनों sides है, advantages भी है, disadvantages भी है। Advantages हम बोल सकते हैं कि मान लो कि कोई month में आपके पास salary घट रही है, यानी कि पैसा नहीं बच रहा है, और आपको कोई important और urgent चीज़ मंगवानी है, तो फिर आप BNPL कर सकते हैं, that is buy now pay later, और इस पर आपको interest और charges भी नहीं लगते। बट येस, अगर आप डिफॉल्ट करते हो, लेट पेमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आपको पेनल्टी लगेगी इस पर। और अगर आप BNPL यूज़ करके एकदम छोटी मोटी चीज़ें मंगा रहे हो जिसकी वैल्यू एकदम कम है, तो फिर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो BNPL से अगर आप बहुत बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें मंगा रहे हो और फिर डिफॉल्ट कर रहे हो या फिर आप पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। और BNPL ना हमें एक हैबिट दे रहा है कि हम अभी चीज़ें बाई करें और बाद में पे करें। अब अगर आपके पास सैलरी नहीं है या पैसा कभी घट रहा है और वंस इन अ वाइल आपने मंगा दिया ना, तो ठीक है। बट अगर आपकी ये हैबिट बन रही है ना कि अभी आप बाई कर रहे हो और बाद में पे कर रहे हो, तो फिर ये एक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि लॉन्ग रन में ना आपको ये हैबिट बन जाएगी कि अभी मैं बाई कर दूँ बाद में पे कर दूँगा, और ये एटीट्यूड बन जाता है। और जब ये एटीट्यूड बन जाएगा ना कि चीज़ें आप मंगा रहे हो और क्रेडिट पे मंगा रहे हो, यानी कि बाद में पे करोगे, तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंथ आपको बहुत बर्डन हो जाएगा कि आपने बहुत लंबा बिल बना दिया और आपको पता ही नहीं था कि आपने इतनी सारी चीज़ें परचेज की है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दी चेक पॉइंट्स बिफोर वी ऑप्ट फॉर BNPL। सबसे पहला आता है प्लान योर गोल्स एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ऐसा ना हो कि आपकी सैलरी है 20,000 और आपने BNPL पे खरीद खरीद के पूरे मंथ में 25,000-30,000 का एक्सपेंसेस कर दिया है। हमेशा याद रखना कि जितना आपका कैश फ्लोज है, यानी कि इनकम आने वाला है, उसमें से जो भी आपका EMIs, एक्सपेंसेस, ग्रॉसरीज, ये सब डिडक्ट करने के बाद आपके पास कितना पैसा बचता है, क्योंकि आपको नेक्स्ट मंथ या फिर जो भी आपका ड्यू डेट है तब तो आपको BNPL का भी अमाउंट पे करना ही है, राइट? तो हमेशा आपके खर्चे, आपके कैश फ्लोज, आपका इनकम मेंटेन रखो और फिर ही BNPL के लिए ऑप्ट करो, या फिर नोट डाउन करके रखो कि आपने BNPL में कितना खर्चा किया है, क्योंकि BNPL एट द एंड ना आपके लिए डेड है। भले आपको इस पर कोई कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, चार्जेस नहीं है, बट आपके लिए ये डेड है और आपको वो टाइमली और ड्यू टाइम पे आपको पे करना ही है। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको उस पर पेनल्टी लगती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ना एक प्लान्ड वे में पूरा ही आपका फाइनेंशियल जर्नी जो है, जो भी इनकम आ रहा है, जो भी कैश फ्लोज है, वो नोट डाउन करना पड़ेगा और फिर ही BNPL के लिए अप्लाई करना। याद रखो कि BNPL ना एक हैबिट नहीं होनी चाहिए, बट कि एक इमरजेंसी सोर्स में आप उसको ऑप्ट कर सकते हो, ना कि एवरी टाइम जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो और BNPL अप्लाई कर रहे हो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड बाय नाउ पे लेटर। क्रेडिट कार्ड में ना बहुत सारे हिडन कॉस्ट रहते हैं, और जब भी आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हैं ना, आपका पूरा क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, ये सब चेक किया जाता है।
जबकि BNPL में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई चार्जेस नहीं रहता है अगर आप डिफॉल्ट नहीं करते तो। डिफॉल्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको पेनल्टी लगेगी। और BNPL में ना आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं चेक की जाती, ये सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप बाद में पे कर सकते हो और अभी बाई कर सकते हो। जो क्रेडिट कार्ड्स है ना वो आपको ज़्यादातर फ्लेक्सिबल एक्सेप्टेंस रहता है, यानी कि उसका जो एक्सेप्टेंस है ना वो वर्ल्ड वाइड है। सारे रिटेलर सेलर्स जो है ना वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। जो BNPL है ना वो रिसेंट आया है मार्केट में, इसके लिए इसका एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ कुछ रिटेलर्स, कुछ कुछ सेलर्स के पास ही आप BNPL का ऑप्शन देख पाओगे। क्रेडिट कार्ड पे ना आपको ऑप्शन रहता है कि आप मिनिमम अमाउंट जो ड्यू है फॉर अ पर्टिकुलर मंथ वो पे कर सको, जबकि BNPL में आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। जो भी आपका EMI है वो शेड्यूल डेट पे आपको पे करना ही पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड पे ना आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, कैशबैक्स मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है ऑन योर परचेज, जबकि BNPL में आपको ऐसा कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। सम ऑफ दी कंपनीज विच आर प्रोवाइडिंग BNPL सर्विस इज आर Amazon पे लेटर, ओला पोस्टपेड मनी, सिंपल, Paytm पोस्टपेड एंड सो ऑन। हैव यू एवर यूज BNPL ऑप्शन? हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। अभी मैंने ना कार ली है, अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब IDV के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 things दैट विल गिव यू कि वाई टर्म इंश्योरेंस इज इम्पॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट वॉट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माई पेरेंट्स या माई स्पाउस विल पे दी EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा, एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 crore तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16,000 to 20,000 प्रीमियम पे, एंड यू ऑल आर अवेयर कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है एंड इट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, बट एज वी एज प्रीमियम गेट्स मोर एंड मोर एक्सपेंसिव। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टर्म इंश्योरेंस, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्थी ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। They provide you free consultation, spam-free advices and a swift post-purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने description में meeting की link दी है। आपको सिर्फ वो link पे click करना, आपके time के according आपको meeting fix करनी है। और हाँ, याद रखना ये जो consultation है वो एकदम ही free of cost है, तो जाके आज ही अपनी meeting book कर लो।